नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद शिव में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पिट कट ऑफ 2021 के बारे में। क्या होगा पिट का कट ऑफ और कितने नंबर से होंगे क्वालिफाई पिट के लिए 20 लाख अभ्यर्थियों के बीच में जो ये टक्कर है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपके कितने नंबर होंगे जिससे कि आप यूपी ट्रिपल एससी पिट लेखपाल ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। अमर उजाला से जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इसको हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी आयोग ने यूपी के विभिन्न पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के रूप में पहली बार पीटी परीक्षा की घोषणा की। 24 अगस्त 2021 को यूपी के सभी जिलों में 2 पालियों में कराया गया था। ये परीक्षा प्रदेश में पहली बार हो रही है। कट ऑफ न्यूनतम अंक है जो उम्मीदवारों को योग्य घोषित करने के लिए परीक्षा के लिए प्राप्त करना होगा। यूपी ट्रिपल एससी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी ट्रिपल एससी पिट परिणाम के साथ यूपी ट्रिपल एससी पिट कट ऑफ भी जारी करेगा। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। केवल यूपी ट्रिपल एससी पिट कट ऑफ मार्क से अधिक स्कोर करने वाले उम्मीदवारों को 1 वर्ष के लिए वैधता वाला प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके साथ वे विभिन्न ग्रुप बी और सी पदों के लिए उपस्थित हो सकेंगे। पहली बार ही पिट के लिए हुए बम्पर आवेदन, मतलब जो प्रदेश में पहली बार ये हुआ था पिट का प्रीलिमिनरी एग्जाम, जो इसके लिए बहुत सारे मतलब बम्पर जो भी फॉर्म थे वो फिल किए गए थे। उत्तर प्रदेश में अब ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पिट परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। कई महत्वपूर्ण पदों के लिए इस परीक्षा में पास करने की अनिवार्यता को देखते हुए पिट 2021 में भारी संख्या में युवाओं ने आवेदन किए। इन पदों के लिए इतनी संख्या में आवेदन को देखते हुए अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि परीक्षा में कट ऑफ क्या होगा इसके और किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो हम आपको बताते हैं, अमर उजाला ने एक कट ऑफ निर्धारित की है, शायद उसी के अनुसार रहने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी पिट 2021 का कट ऑफ इन बिंदुओं पर करेगा निर्भर। देख लेते हैं कौन से ये बिंदु हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, कुल रिक्तियाँ जितनी अधिक होंगी कट ऑफ ही उतना कम रहेगा, इसलिए कट ऑफ सीधे कुल रिक्तियों पर निर्भर करेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैकेंसी उतनी ज़्यादा कम कट ऑफ, जितनी कम वैकेंसी उतनी ज़्यादा कट ऑफ, ये वाला फार्मूला इस पर लगेगा। तो आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पिट के लिए अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी दी गई है, और फिर यहाँ पे दिया गया है अर्बन है, फिर एससी है, एसटी है। इसके लिए तो अर्बन की आप देख सकते हैं 72 से 85, मतलब जनरल की जो कट ऑफ है 72 से 85 के बीच में वेरी करेगी। अब हम बात कर लेते हैं एससी की, तो 55 से 65 के बीच में, और एसटी की 50 से 62 के बीच में, ओबीसी की वही 66 से 75 के बीच में, ईडब्ल्यूएस जो है वो 68 से 77 के बीच में रहेगी। बट मुझे नहीं लगता है कट ऑफ ये रहेगी, क्योंकि हमने जो पहले से बताई थी कट ऑफ आपको, उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये तो अमर उजाला की तरफ से है, आप इसे मान सकते हैं और नहीं भी, बट मैं तो यही कहूँगा कि आप इसे ना माने बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने जो बताया है, अमर उजाला की तरफ से जो ये न्यूज़ थी उसको आपके सामने रूबरू करवा दिया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय।